William. So, let's start. इसमें एक बच्चा है जो अपने फादर को बहुत ही डांट रहा है या उनसे कॉल कर रहा है सो फर्स्ट पैराग्राफ यू आर ओल्ड फादर विलियम द यंग मैन सेट एंड योर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइड एंड जेट यू इनसे स्टैंड ऑन योर हैड डू यू थिंक एट योर एज इट इज राइट इसमें एक बच्चा है जो अपने फादर विलियम से कह रहा है क्या कहता है कि आपकी जो बाल हैं वो वाइट हो चुके हैं एंड येट यू इंसिस स्टैंड ऑन योर हैड फिर भी आप अपने सिर पर खड़े हो जाते इट मीन्स टांगे ऊपर और सिर नीचे करके आप फिर भी खड़े हो जाते हैं डू यू थिंक आप क्या ऐसा सोचते हैं कि एट योर एज की आपकी इस तरह की एज में ये सब कुछ सही है अब फादर विलियम उसकी बात का जवाब दे रहे हैं इन माई यूथ फादर विलियम रिप्लाई टू हिज सन जो फादर विलियम है वो अपने बेटे को उत्तर देते हैं आई फियर इट माइट इंजर द ब्रेन कि पहले मुझे डर लगता था जब मैं अपनी जवानी में था तो मुझे ये सब चीज़ें करते हुए डर लगता था कि कहीं मेरे ब्रेन में चोट ना लग जाए बट ना देट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव डन लेकिन अब जो हूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुका हूँ ये चीज़ें करने में वाई आई डू इट अगेन एंड अगेन तो वो जो बच्चा है वो अपने फादर को कहता है कि आप बार बार ऐसा क्यों करते हैं इन द थर्ड पैराग्राफ यू आर ओल्ड सैड द यूथ एज आई मैंशन बिफोर एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट येट यू टर्न अ ब्लैक समर सोल्ट इन एट द डोर प्रे वट इज़ द रीज़न ऑफ दैट अब बच्चा कह रहा है कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया दिया एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट और आपके शरीर पर भी काफ़ी चर्बी आ चुकी है इट मीन्स कि आप बहुत मोटे हो चुके हैं टू टर्न द बैग और फिर भी आप दरवाजे के पीछे खड़े होकर के आप कलाबाजी करते हैं समर सॉल्ट का मतलब होता है कलाबाजी करना आप उछलते कूदते रहते हैं प्रे प्रार्थना करता हूँ कि वट इज़ द रीज़न ऑफ दैट कि इन सब का क्या कारण है कि आप ऐसा क्यों करते हैं अब जो फादर विलियम है वो उनकी बात का जवाब दे रहे हैं ये कहते हैं इन माई यूथ सैड द सेज एज ही शूक हिज ग्रे लॉग्स वो कहते हैं कि मैं अपनी जवानी में अपने जो बाल है ग्रे लॉग्स का मतलब होता है अपने वाइट बालों को बहुत हिलाया करता था एंड आई कैप टॉल माई लिम्स लिम्स का मतलब होता है बच्चे हाथ पैर एंड वेरी सप्पल सप्पल मीन्स होता है आ, उनको लचकदार बना के रखना ठीक है तो ये कहते हैं कि मैं अपने हाथों पैरों को बिल्कुल लचकदार बना के रखता था बाय द यूज़ ऑफ दिस ऑइंटमेंट ऑइनमेंट होता है कोई मेडिसिन होती है उससे मैं अपने हाथों पैरों की मालिश करता था जिससे मेरे हाथ पैर जो है मेरी जो बॉडी है वो लचकदार रहती थी वन शीलिंग द बॉक्स अब ये शीलिंग जो है यहाँ पर एक ब्रिटिश करेंसी है एक ब्रिटिश करेंसी का बॉक्स इसमें जो लास्ट लाइन में वो बच्चा कह रहा है कि अलाउ मी टू सेल यू कपल कि आप मुझे आज्ञा दो क्या मैं आपके लिए वो ब्रिटिश जो करेंसी है वो भी ला दूँ ठीक है एंड नेक्स्ट इन द पैराग्राफ यू आर ओल्ड सैड द यूथ एंड योर जाज आर टू वीक फॉर एनी थिंग टफर देन सूट येट यू फिनिश द गोज विद द बोन्स एंड द बैक प्रे हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट अब इसमें बच्चा फिर से अपने पापा से शिकायत कर रहा है कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं एंड यूर जाजमी जो, जाज, जाज जो दाँत होते हैं ना दाँत के पीछे जो जाड़ होती है वो कहते हैं कि आपकी जो जड़ें हैं वो भी इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं फोर एनी थिंग टफर देन सूट जो कि आपके मोटापे से भी क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल है मतलब किसी अगर चीज़ को खा पाना बहुत मुश्किल है लेकिन आप ये यू फिनिश था घूस लेकिन फिर भी आप पूरी की पूरी जो घूस है उसको खा जाते हैं एंड विद द बोन्स एंड द बैक प्रे और उसकी जो हड्डियाँ होती हैं उनको भी बिल्कुल खा जाती हैं प्रे हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट आप इस तरह से कैसे मैनेज कर लेते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता इन माई यूथ अब जो फादर है उसकी बात का जवाब दे रहे हैं कि सैड हिज फादर आई टुक टू द लॉ एंड आउट ईच केस विद माई वाइफ एंड द मस्कुलर स्ट्रेंथ विच इट गेव टू माई जॉब हैज़ लास्टेड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ अब वो कहते हैं कि मैंने अपनी जवानी में फादर कह रहे हैं आई टुक टू द लॉ कि मैंने हर कानून का पालन किया है मेरे अपने डिसिप्लिन से एंड अर्ड और मैं अपनी पत्नी के साथ भी हमेशा आर्गूमेंट करता रहता था समझौते करता था हर केस के अंदर एंड द मस्कुलर स्ट्रेंथ मेरे जो मसल्स है वो हमेशा स्ट्रेंथ मतलब मजबूत रहे हैं विच इट गिव टू माई जॉब जो कि मेरी जाड़ को भी बहुत मज़बूत बनाते थे एंड हैज़ लास्टेड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ मेरी जितनी भी लाइफ बची है तब तक भी उसको वो मजबूत ही बना कर रखेंगे एंड यू आर ओल्ड अब फिर से जो बच्चा है वो अपने फादर को कह रहा है कि आप अब इतने बूढ़े हो चुके हैं साढ़ द यूथ यूथ कहता है वन वुड हार्डली स्पोज शायद ही किसी को इस चीज़ के बारे में पता होगा एंड that योर eyes वॉस स्टडी एज आवर स्टडी का मतलब होता है बच्चे जैसे आपकी आंखें पहले थी आज भी वैसे की वैसे ही हैं इट मीन्स आंखें जो हैं मोस्टली uh, क्या होते हैं, इन द ओल्ड एज वीक हो जाती हैं और हमें स्पैक्स लग जाता है बट वो कहते हैं जो बच्चा है वो अपने फादर को कह रहा है कि आपकी जो आँखें हैं अभी भी स्टडी की स्टडी हैं वैसे की वैसे ही हैं येट यू बैलेंस एंड एल ऑन द एंड योर नोस वट मेट यू सो एफली क्लावर बच्चा कह रहा है कि लेकिन फिर भी आप जो है वो बैलेंस एल का मतलब होता है गोली यानी कि अपने नाक पर अपने नाक की सीट में गोली पर भी जो निशाना है ना उसका भी बैलेंस बनाकर आप रखते हैं एंड व्हाट मेड यू सो एफली वो क्या चीज़ है जो आपको इतनी ज़्यादा चालाक बनाती है इट मीनस आप अपनी ओल्ड एज के अंदर भी बहुत ज़्यादा शार्प माइंड है बहुत ज़्यादा क्लेवर है बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये बच्चा अपने फादर को बोल रहा है इन द लास्ट पैराग्राफ आई हैव आंसर थ्री क्वेश्चन एंड दैट इज़ इनफ अब फादर जो है वो अपने बच्चे को कहते हैं कि मैंने अपने तीन क्वेश्चंस का यानी कि आपको मैंने तीन क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है एंड दैट इज़ इनफ बस इतना ही काफ़ी है सेड इज़ फादर उसके पिता कहते हैं डोंट गिव योर सेल्फ अब बार बार मुझे परेशान मत करो डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो आई कैन लिसन ऑल डे टू सच स्टफ़ कि मैं इतनी बातें सुन सकता हूँ सारा दिन बी ऑफ़ और आई विल किक यू डाउन स्टेयर्स चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें क्या कर दूँगा यहाँ सीढ़ियों से धक्का मार दूँगा ठीक है तो ये एक छोटी सी पॉइंट थी पोइट्री थी आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू